कशिश टर्न ऑन योर वीडियो। कशिश टर्न ऑन योर वीडियो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड मॉर्निंग कशिश, टर्न ऑन योर वीडियो। वीडियो को ऑन करिए अपनी। गुड, आपने इंग्लिश का काम किया? यस नो मैम, थोड़ा सा रह रहा है। कशिश, हाँ जी, होमवर्क क्यों रह गया आपका भाई? इतना सारा होमवर्क मिला था दो एक्सरसाइज में, और कल की छुट्टी भी थी आपकी, इतना होमवर्क तो नहीं मिला हुआ। मैं पढ़ रही हूँ, ये भी नहीं करता काम। इतना ज्यादा मिला हुआ है क्या होमवर्क क्या आपसे हो नहीं रहा? मुझे पता नहीं था ना। क्या नहीं पता था? आपके पास होमवर्क नहीं आया? यस मैम। हाँ यस मैम। क्या यस, होमवर्क नहीं आया आपके पास? यस मैम। क्या यस मैम बेटा, होमवर्क आया है नहीं आया है? मैम आया है तो फिर क्या नहीं पता कि उसको करना है? ये नहीं पता? क्या नहीं पता कशिश, फिर उसमें जब आपके पास होमवर्क आ गया तो फिर उसमें क्या नहीं पता? मैम थोड़ा सा रह रहा था बस। क्यों रह रहा है, मैं आपसे वही पूछ रही हूँ, क्यों आपका होमवर्क रह रहा है जब आपको क्या कहते हैं प्रॉपरली होमवर्क भेजा जा रहा है रेगुलर? सेंटेंसेस क्या होते हैं? व्हाट आर सेंटेंसेस? सेंटेंस, हाँ जी सेंटेंस। आप ग्रुप पर डेट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सॉरी दोबारा बोलो। आप ग्रुप पर डेट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? यही डेफिनेशन बोली है ना आपने, इसका मतलब क्या हुआ मुझे जरा ये बता दो। मैम जो भी सेंटेंस A group of what? A group of that make complete sense is called sentence. A group of words that
मेक कंप्लीट सेंस। हाँ जी अब मुझे बताइए जरा इसका मतलब क्या मतलब हुआ इसका सेंटेंस का। A group of parts that make complete sense. बताइए। मैम नहीं पता। बस ऐसे ही याद कर लिया अभी ना मतलब समझे कि पेपर में थोड़ी ना मतलब पूछेंगे पेपर में तो लिखना है ना। जब तक किसी चीज का मतलब याद मतलब नहीं पता होगा वो चीज आपके किसी काम की नहीं है। आपको सेंटेंस का मतलब नहीं पता मगर डेफिनेशन याद है आपको। जब एक्सरसाइज आएगी तो कैसे करोगे। सेंटेंस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी एक ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जो क्या बनाए कंप्लीट सेंस यानी पूरा मतलब बनाए। ठीक है यानी सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ऑफ सेंटेंस की ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जरूरत नहीं। जैसे अगर मैं लिखूं इन एयर इज क्या इसका कुछ मतलब बन रहा है। नो मैम। तो क्या ये सेंटेंस है। नो मैम। गुड ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है क्योंकि इसका कुछ मतलब नहीं बन रहा इसलिए सेंटेंस नहीं है। इसका कुछ मतलब बन रहा है। यस मैम। राम इज अ बैड बॉय तो क्या ये सेंटेंस है। यस। गुड ठीक है समझ गए। यानी सेंटेंस का मतलब क्या होता है एक ऐसा शब्दों का ग्रुप जो क्या बनाए एक सेंस बनाए एक मतलब बनाए। यानी सिर्फ ग्रुप होना सेंटेंस नहीं कहलाता। ठीक है सिर्फ ग्रुप होना सेंटेंस नहीं कहलाता उसका कुछ मतलब भी निकलना चाहिए तभी वो सेंटेंस बने। समझ गए। यस मैम। ठीक है अब चलते हैं आगे। ठीक है ठीक है आगे चलते हैं। अब चलते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे। ठीक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब मेरे को बताओ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। मैम सब्जेक्ट वो होता है जो किसी कार्य को करना उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। किसी कार्य को करने को सब्जेक्ट बोलते हैं। बताइए। सब्जेक्ट की डेफिनेशन भी आपको भेजी हुई थी। बेटा जब भी कोई चीज आपको भेजी जाती है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए और उस चीज को याद साथ के साथ करना। ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब नहीं पता और याद कर रखा है या मतलब तो पता है और याद नहीं किया हुआ फिर लास्ट में क्या होगा वो सब चीजें बर्डन हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है समझ गए। हमेशा मतलब तो निकालना ही है मतलब तो पढ़ना ही है साथ के साथ उसको लर्न भी करना। ठीक है तो अब सेंटेंस सॉरी सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ। सब्जेक्ट का मतलब हुआ एक पर्सन या एक थिंग पर्सन या फिर एक चीज। ठीक है या तो कोई पर्सन हो या कोई चीज हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है हमारा सब्जेक्ट। यानी अगर मैं इस फोन के बारे में बात कर रही हूं तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया द फोन इज ब्लैक इन कलर। ठीक है तो मैं क्या बता रही हूँ फोन के बारे में कि क्या है ये सब्जेक्ट।
मैं फोन के बारे में क्या बता रही हूँ, द फोन इज ब्लैक इन कलर, इसका मतलब क्या हुआ? फोन ब्लैक है. मैं फोन के बारे में क्या बता रही हूँ कि फोन जो है वो ब्लैक कलर का है, यानी किस चीज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है? फोन के बारे में बात हो रही है. तो जिस भी चीज के बारे में हम बात करेंगे वही हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा. अब आते हैं हम प्रेडिकेट पे. व्हाट आर प्रेडिकेट? कि हम किसी भी सामान के बारे में क्या बात कर रहे हैं वो हमारा प्रेडिकेट हो गया. ठीक है, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. नो सॉरी, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट अ थिंग. ठीक है, यानी किसी भी चीज के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट. ठीक है, अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था. ठीक है, तो अब मुझे बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैम फोन. फोन या द फोन? द फोन. ओके, मार्क करिए जरा सब्जेक्ट को, अंडरलाइन करिए, करिए अंडरलाइन. आराम से आराम से. मैम हो गया. कशिश आपने पूरा सेंटेंस अंडरलाइन किया. वेट, कोई और कलर का मार्कर लीजिए रेड के अलावा. कोई और कलर का मार्क कर दीजिए. अब बताइए क्या है सब्जेक्ट? द फोन. द फोन. ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? द फोन. और प्रेडिकेट क्या हो गया? ब्लैक. पूरी चीज जो भी हम बात कर रहे हैं वो पूरा प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट को छोड़ के सारी बात हम फोन के बारे में कर रहे हैं, तो बचा हुआ पूरा सेंटेंस हमारा प्रेडिकेट में आ जाएगा. ठीक है, yes, हम उसके कलर की बात कर रहे हैं, क्या कलर है वो बात कर रहे हैं, तो ये हमारा पूरा बचा हुआ चीज हमारा क्या आ जाएगा? प्रेडिकेट में. समझ आ गई बात? Yes, ma'am. समझ गए. अब मैं आपको एक और सेंटेंस. Yes, ठीक है, लेट मी टेक दिस फ्रॉम योर बुक. मेरी इंग्लिश ग्रामर की बुक लिए. The good and always gain in swimming. बताइए. मैम इसमें शब्द प्रेडिकेट बताना है. जी. बताइए. मैम इसमें सब्जेक्ट द गुड मैन. ओके, और प्रेडिकेट है. प्रेडिकेट है इज आल्सो कीपिंग इन सर्विंग अदर्स. कीन इन सर्विंग अदर्स, इसका मतलब क्या हुआ? आप मुझे ये भी बता. मैं एक अच्छा आदमी, एक गुड मैन.
एक अच्छा आदमी serving, एक अच्छा आदमी is also keeping and serving others. सर्विंग का मतलब क्या होता है? सर्विंग का मतलब, हाँ जी, सर्विंग का मतलब क्या होता है? सर्विंग मैम नहीं पता. सर्विंग का मतलब होता है, इसका मतलब क्या हुआ था, गुड मैन यानी जो अच्छा आदमी होता है वो हमेशा कीन मतलब इंटरेस्टेड रहता है दूसरों को सर्व करने में, यानी दूसरों को हेल्प करने में. ठीक है, दूसरों अगर वो हेल्प कर सकता है तो किसी भी तरीके में वो दूसरों की हेल्प करने में. ठीक है, ये है सेंटेंस का मतलब. सेंटेंस का मतलब पता होना चाहिए, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा. समझ गए? ओके, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझ में आ गया? यस मैम. चले, यस मैम, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे चलते हैं. ठीक है, यस मैम. ठीक है, फर्स्ट क्या टाइप होता है मुझे बताओ, कितने टाइप होते हैं आपको पता है? यस मैम. बताइए जरा. फोर टाइप. फोर टाइप कौन कौन से? एक एसर्टिव सेंटेंस. कौन सा सेंटेंस? एक एसर्टिव सेंटेंस. बेटा ढंग से पढ़ो जरा बुक में से क्या लिखा हुआ है मिला के. मैं बुक में से ढंग से पढ़िए. मैम हम अपने खुलिया. हाँ जी, बुक लेके आइए और ढंग से पढ़िए क्या लिखा है, या स्क्रीन से पढ़ लो. पढ़ो, यही वाला था. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, बताओ मैम इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एक सेकेंड, सबसे पहले मुझे पढ़ के बताइए जो मैंने स्क्रीन पर लिखा है. मैम अफर्मेटिव सेंटेंस. मेटिक लिखा हुआ है. ढंग से पढ़ो. अफर्मेटिव सेंटेंस. मेटिक लिखा हुआ है. मेटिक लिखा है. बताइए. AWFIRMATIVE. पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एक साथ पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा. AWFIR क्या बना?
अपर हाँ आगे M A T I V E क्या बना M A T I V E M A T M A T I मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस ठीक है और दूसरा क्या है इसको और क्या बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस ठीक है सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस ठीक है असर्टिव मतलब जो हमारे सिंपल स्टेटमेंट होते हैं वो सब असर्टिव में आते हैं ठीक है सिंपल स्टेटमेंट आई एम अ बॉय आई एम गोइंग आई एम लाफिंग आई एम हियर आई एम देयर यानी जिसके पीछे ज्यादातर फुल स्टॉप लगा होता है जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं ठीक है नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं ठीक है सिंपल सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं yes, क्या बोलते हैं इनको और सिंपल सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस ठीक है अब नेगेटिव क्या होते हैं नेगेटिव क्या होते हैं नेगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं नेगेटिव मैम नहीं पता नेगेटिव यानी जिसमें नॉट का इस्तेमाल होता है या ज्यादातर नहीं जिससे हमारा है जिससे हमें नहीं का वो हो ठीक है उसी उन्हीं सेंटेंस में हमें वो नेगेटिव होते हैं ठीक है नेगेटिव यानी जिसमें नॉट लगा हो या ज्यादातर नहीं का साउंड आए उसको हम नेगेटिव बोलते हैं अब आए इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस मैं नहीं पता आपकी बुक में भी लिखा होगा बुक में भी लिखा होगा आपको फर्स्ट चैप्टर का ए और बी एक्सरसाइज करने को दिया था राइट उससे पहले yes, आपने चैप्टर को रीड नहीं किया रीड नहीं किया नो मैम क्यों क्यों रीड नहीं किया सेंटेंस मतलब समझाइए मुझे सेंटेंस समवन ऑर्डर रिक्वेस्ट और मैम जिसके पीछे ऑर्डर और रिक्वेस्ट और एडवाइस लगते हो वो इंपेरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट या एडवाइस लगती है यानी ये लिखा हो जिसके पीछे इन दोनों में से एक चीज लिखी हो एग्जाम्पल देखिए जरा एग्जाम्पल देखिए जरा अपने बुक में यस मैम ये वाला आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है गो आउट एट वंस क्या इसके पीछे कहीं लिखा हुआ है रिक्वेस्ट या एडवाइस लिखा हुआ है कहीं मगर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है नो मैम मगर ये तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है बेटा कौन से होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जो हमें या तो एडवाइज जैसा साउंड करे उसके पीछे नहीं एडवाइज लगे जैसे कोई हमें एडवाइस देता है या फिर हमें कोई ऑर्डर दे ऑर्डर या कमांड एक चीज है
जैसे आपको घर में मम्मी ऑर्डर देती है कि गेट बंद कर दो, ठीक है, यानी ये कमांड है उनकी, ठीक है। तो ये सब सेंटेंसेस होते हैं इम्पेरेटिव, यानी इसमें ज्यादातर सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे गो आउट, शट द डोर, इसमें आपको कहीं सब्जेक्ट का पता चल रहा है? सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, दरवाजा बंद करो, नो मैम, पता चल रहा है? नहीं, मगर ये कमांड जैसा साउंड हो रहा है, गो आउट यानी बाहर जाओ, ठीक है, समझ गए? इसकी पहचान क्या होती है? इसमें सेंटेंस जैसा दिखता नहीं है, ये सिर्फ इसमें डायरेक्ट बात बोली होती, ठीक है? यस मैम। अगली क्लास में आपको ये सब आने चाहिए, ध्यान से सुनना। यस मैम, समझ गए? यस मैम। और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अपनी बुक में कई सारे एग्जांपल दिए हुए, जैसे डू हार्ड वर्क। यस मैम। क्या इसमें कहीं आपको लग रहा है कहीं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का पता चल रहा है? ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का, वर्ब का? नो मैम, नहीं पता चल रहा, ठीक है, नहीं पता चल रहा, ठीक है। क्या है आपको दिए हुए? डू हार्ड वर्क यानी मेहनत करो, ठीक है, ये छोटे सेंटेंसेस, ठीक है। और इसमें लिखा है सिट डाउन, नीचे बैठो, इसमें कुछ पता चल रहा है? नो, एक या दो वर्ड के सेंटेंस, ठीक है। अगर कोई आपको रिक्वेस्ट करे वो भी इसी में ही आता है, प्लीज गिव मी वॉटर, ठीक है। ये सब जो है इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं, जिसमें आई यू ये सब का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, आई यू एम, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, समझ गए? अब बचा लास्ट का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, क्या ये पता है आपको? नो मैम। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्या हो, आपको कुछ भाव दिखाई दे, ठीक है, भाव दिखाई दे, क्या दिखाई दे? भाव, खुशी का, दुख का, घृणा का, ठीक है, प्रेम का, उन सबको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। यस मैम, समझ गए? यस मैम। जैसे शॉक का, ओह, आपका जैसे आपके हाथ से पैर से कुछ गिर गया या आपका हाथ लग गया, तो हम बोलते हैं ना ओह नो, ओह, ओह गॉड। तो ये सब क्या है? ये सब एक्सप्रेशंस बताते हैं, और इसका मेन क्या है कि आपको मार्क मिल जाएगा। अच्छा, इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस तो मैंने लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? आपको ये एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलेगा, ठीक है? यस मैम, समझ गए? अगर कहीं पर ये लगा हुआ है तो वो क्या है हमारा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मगर पहचान में आना चाहिए, कई कई बार आपको एक्सक्लेमेटरी साइन लगाने के लिए ही बोल देते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं, हाउ ब्यूटिफुल द व्यू इज, क्या ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? यस मैम। वेरी गुड, क्योंकि एक तो हमें इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन मिल गया, और इसमें क्या है, कितना सुंदर नजारा है, जैसे हम बोलते हैं ना ऐसे, ठीक है। अगर आपको अल्लास, अल्लाह हो गया, अल्लास हो गया, ये सब हमारे एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस हैं जो हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं, ओ, ठीक है, ये सब, समझ गए? अब आता है इंटरोगेटिव।
ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर लिखना भूल गई. कौन से होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस जो आपको क्या बताएं? इंटरोगेट करना मतलब क्वेश्चन करना. इंटरोगेट का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन करना, क्वेश्चन करना. ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब जिसमें हमें क्वेश्चंस पूछे जाए. नहाए, आपने खाना खाया, बुक पढ़ी, पढ़ाई करी, ठीक है, ये जिसमें हमें इंटरोगेशन का मतलब ही क्या होता है? क्वेश्चन करना. ठीक है, तो इंटरोगेटिव मतलब ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जाए. क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, वो सब हमारे क्या हुए? इंटरोगेटिव. ठीक है, और इनके पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, जरूरी नहीं है ये डब्ल्यू एच फैमिली से ही स्टार्ट हो, यानी इनके आगे व्हाट, वेयर, हाउ, ये सब लगाओ. कभी कभी हम ऐसे क्वेश्चंस भी बनाते हैं जिसके आगे इज लगा होता है, आर लगा होता है. इज दिस योर हाउस, क्या मतलब हुआ इसका? क्या यह तुम्हारा घर है? इसका आंसर yes, क्या हुआ? यस, क्या है? यस, दिस इज माय हाउस. हाँ, ये है मेरा घर. समझ गए? सिंपल. यस मैम. इंटरोगेशन का मतलब क्वेश्चन पूछना, तो सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस के पीछे क्या होगा? क्वेश्चन मार्क. ठीक है, समझ गए? और ये ऐसे लगा होगा. कभी कभी हम हेल्पिंग वर्ब भी फर्स्ट प्लेस पे लिख देते हैं जो हमें क्वेश्चन बताते हैं. और ज्यादातर किसमें होते हैं? व्हाट से स्टार्ट होते हैं, व्हाई से स्टार्ट होते हैं, वेयर से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, व्हेन, हाउ, इनको बोलते हैं डब्ल्यू एच फैमिली, क्योंकि इनका फर्स्ट और सेकेंड अल्फाबेट क्या होता है? डब्ल्यू एच. ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू और एच की फैमिली. हाउ भी इसमें आता क्योंकि एच मतलब हाउ. ठीक है, डब्ल्यू और एच की फैमिली, जो डब्ल्यू से स्टार्ट हो और जो एच से स्टार्ट हो. ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं. व्हाट मतलब क्या, व्हाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहां, व्हेन मतलब कब, हाउ मतलब कैसे. तो ये सब हमारे क्वेश्चन बताते हैं. ठीक है, ओके, समझ में आया आज की क्लास में? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई सेंटेंसेस जो आपको समझ में ना आया हो? मैम ये टाइप मेरे को समझ में नहीं आया. मैम फर्स्ट वाला समझ में नहीं आया. कौन सा फर्स्ट वाला? मैम टाइप ऑफ सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव, असर्टिव मतलब सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस. सिंपल मतलब simple जो नॉर्मल स्टेटमेंट होती है. आई एम अ बॉय, ठीक है, आई रीड इन फर्स्ट क्लास. ठीक है, माई नेम इज राधा. यानी जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, इसमें ना क्वेश्चन मार्क होता है, ना इंटरोगेटिव होते हैं, ना ही इसमें इंपेरेटिव्स होते हैं. ठीक है, ये सब क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस. ठीक है, जो आप नॉर्मल बताते हो, मैं ये करता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं ये पीता हूँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये सब नॉर्मल सेंटेंसेस में आते हैं. इन्हीं को बोलते हैं अफर्मेटिव. ठीक है, और कोई इशू? मैम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी मतलब जिसमें हमें क्या हो, जिसमें हमें सरप्राइज सुनाई दे, शॉक सुनाई दे. ठीक है,
या जिसमें एक्सक्लेमेटरी साइन दिखाई दे, ये है एक्सक्लेमेटरी साइन, जिसमें हमें भाव का भावनाओं का पता चले, ठीक है, खुशी का, दुख का, ठीक है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना हे भगवान, ये क्या हो गया, अल्लाह, तो ये सब एक्सक्लेमेटरी, ठीक है. यस मैम. और कुछ मैम? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या समझ नहीं आया बताइए. प्रेडिकेट. इसमें सब्जेक्ट क्या है मैम? राधा. प्रेडिकेट क्या है मैम? इज अ गर्ल. तो क्या समझ नहीं आया? बताओ. और कुछ? यस नो मैम. ठीक है. ओके बाय. बाय मैम. बाय.